वही काम आएगा, आगरा का है ना। अब हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग आगे पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। रोहितास जी, विमल जी और पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। अरे नाम ले दो सबका। ये इरफान सर भी है हम लोगों के साथ में, हम लोगों के लीडर। लीडर नहीं, बस ये है कि कुछ थोड़ा आयोजक है, है सबको लेके साथ में, सबको एकजुट करने के उसमें जो है, सबका साथ सबका विकास कर रहा है। कोई आगरे का है, कोई बनारस का है, कोई लखनऊ का है, कोई बिहार का है, सभी एक साथ आप सब सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, चलिए चलिए आप थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, घूमते टहलते हैं। अभी हम लोगों को एक शूज लेना पड़ेगा ना। हाँ, जूते मिलेंगे, जूते मिलेंगे, बर्फ में चलने वाले जूते। अच्छा। यहाँ किराए पे मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी सारे सभी लोग जूते ले लेंगे। अच्छा, वो बर्फ में चलने के लिए बहुत सुटेबल होते हैं। वैसे सामान्य जूते तो नीचे से बहुत सर्दी पहुँचाते हैं। अच्छा अच्छा। सर्दी ठंडी, फिर उसमें चल नहीं मिलेगा, नीचे से सर्दी लगने की जो आशंका होगी। वो बर्फ में चलने वाले दूसरे टाइप के जूते होते हैं। अच्छा अच्छा। ये पार्क है भाई, देखो बर्फबारी को जैसे कीचड़ हो गया है, लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं। ये देखो लोग यहाँ किराए पे जूते ले रहे हैं, क्योंकि बिना इन जूतों के आप बर्फ में चल नहीं सकते। बिना इन जूतों के चलेंगे तो पूरा जूता मोजा सब आपका भीग जाएगा, और फिर यहाँ एक मिनट भी रुकना मुश्किल हो जाएगा। जूते तो लेने ही पड़ेंगे। ये देखो भाई, बर्फ़ के नज़ारे यहाँ से शुरू हो गए हैं दिखना। यहाँ खूबसूरत बर्फ़ के नज़ारे हैं। ये देखो लोग अपने परिवार के साथ आए हैं और बर्फ़ में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मज़ेदार है। अब आगे चलते हैं, यहाँ लोग जूते ले रहे हैं। अब ये देखो भाई, सब अपने अपने साइज के जूते ले रहे हैं, पहन रहे हैं। कोई 8 नंबर, कोई 9 नंबर, कोई 7 नंबर। इसी के बाद टूर शुरू होगा। ये सब हमारे मित्र मंडली के लोग हैं, सब जूता उता पहन रहे हैं भाई, और मैं भी जूता पहनने जा रहा हूँ। अब देखो भाई, सब लोग जूता सूट बूट पहन के एकदम रेडी हो गए हैं। अब आगे हम लोगों की यात्रा शुरू होती है। विमल जी, कैसा लग रहा है? मेरे लिए बहुत ही सामान्य प्रोसेस है। अरे यार, इससे मेरा अपनी इच्छा है कि यहाँ नहीं, मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल जाऊँ, तो एक नया एडवेंचर। अब ये हैं दिलीप भाई, ये हैं मनोज भाई। आप नहाएंगे? ना, ये नहाने के लिए स्विमिंग पूल बना हुआ है, लेकिन एकदम जम गया है। जमा नहीं है। हाँ। इसको जमाया गया है। अरे ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अरे यार, ये पटनी टॉप में एक पार्क है जो बर्फबारी से पूरा सफ़ेद हो गया है। यहाँ पे झूले हैं, स्लाइडर हैं, और हॉट भी बने हुए हैं रहने के लिए लोगों के, लेकिन बर्फबारी की वजह से पूरे पार्क में कीचड़ हो जाता है। यही एक डिमेरिट है, बर्फबारी का आनंद लेना मुश्किल हो जाता है कीचड़ में। अरे बाप रे, ये इरफान सर मजा ले रहे हैं, ये स्लाइडर लेके घूम रहे हैं भाई साहब। इरफान सर एक मिनट, ये ये देखिए,
कितना खूबसूरत नज़ारा, हर तरफ सफ़ेदी, चारों तरफ जिधर नज़र दौड़ाइए उधर ही सफ़ेदी। ये स्लाइडर कितने का है? 50 रुपये। कितने घंटे? 1 घंटा। 1 घंटा 50 रुपये? वाह वाह इरफान सर, एक मिनट इधर आइए। ये भी तो होगा। आइए। पचास रुपये मेंबर का लेगा, अब 28 मेंबर कोई जाएगा नहीं यार, नहीं जाएगा। ये अगर होता तो आपको बता देते, खाली आपका समय हम बर्बाद, हमारे भी क्यों जी। नहीं वो बात है तो, अरे भी सस्ता है, 100 रुपये लगाया मैंने सारा। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।